वी लिस्टिंग में, वी लुकअप की लिस्टिंग पार्ट में हमने बात बात की कि हमें, हमारे पास दो तरीके हैं, एक काउंटिव की मदद से, एक एरे की मदद से, कि मैं यहाँ पे साउथ जोन जो भी लिखूं और यहाँ पे जितने बार भी रिपीटेड है सारा लिस्ट यहाँ पे आना चाहिए। सेम सीट के लिए अनदर शीट, अनदर फाइल भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि इसी में आना चाहिए। तो कैसे करें, चलिए तो सबसे पहले हम डेटा में, सबसे स्टार्टिंग में एक कॉलम को ऐड करेंगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं काउंट इफ फॉर्मूले की, तो काउंट इफ फॉर्मूला क्या करता है कि पूरे के पूरे अगर हम कॉलम ले लिए उसमें किसी पर्टिकुलर सेल वैल्यू को, जैसे बोला कि बी कॉलम में बी टू को काउंट करो, तो एक काउंट बता देगा 10। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूं तो जहां जहां भी हमारा साउथ होगा हर जगह पर 10 ही आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ सीक्वेंस से करना है कि भाई ये पहला साउथ, ये दूसरा साउथ, ये तीसरा साउथ, ऐसे ही बाकी भी, पहला ईस्ट, पहला वेस्ट, पहला नॉर्थ, दूसरा वेस्ट, तीसरा वेस्ट, ऐसे सीक्वेंस देना चाहते हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे लगाएंगे, आपको याद होगा कि इस चीज को मैंने इफ फॉर्मूला के जरिए किया था, लेकिन इफ फॉर्मूला में हमें क्या करना पड़ा था, इसको शॉर्ट करना पड़ा था, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट करना नहीं चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे काउंट इफ ही इस्तेमाल करूंगा। बट काउंट इफ में एक छोटा सा ट्रिक्स दे दूंगा कि B2 से B2 कॉमा B2, समझे? और फिर नीचे ड्रैग करने से पहले पहले जो B2 है उस V2 को हम अनप्रिंट कर देते हैं, और फिर इसको डबल क्लिक करते हैं नीचे की तरफ, देखिए आपके सामने, तो आपके सामने रिजल्ट आ गया कि भाई पहला इस दूसरा, अगर मैं इसको फिल्टर करूं, मैं अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ इसको सेंट्रल को मैंने फिल्टर किया, आप देखिए पहला दूसरा तीसरा पूरा सीक्वेंस आ गया। अब सीक्वेंस आ गया तो कैसे आया सीक्वेंस, इसको भी समझ लीजिए कि जो हम काउंटिव का फॉर्मूला लगा रहे हैं वो फॉर्मूला जिस सेल पे लग रहा है उससे वो ऊपर वाली वैल्यू को ही रेफरेंस काउंट में ले रहा है, काउंट रेफरेंस कर रहा है, नीचे वाले से मतलब नहीं है, तो हमेशा हमारा सीक्वेंस ही आएगा। फिर भी ये यूनिक तो नहीं बना, तो मैं इसके साथ इसका जोन को कनेक्ट कर देता हूं। जोन कनेक्ट हो गया, अब प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है किसी के माइक से। तो हमने म्यूट कर ए कर दिया, ए कॉन्क्रानेट के जरिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो 1 साउथ, 2 साउथ, 3 साउथ, एक सीक्वेंस, एक यूनिक आइडिया आ गया। अब मैं यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाता हूं और बताता हूं कि भाई ये जो इस रेंज में साउथ कितना बार आ रहा है, तो साउथ हमारा 10 टाइम है। तो फिर मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा, यानी मैनुअल 1 लिख देता हूं, और इफ कंडीशन दूंगा कि इफ अगर इसमें +1 करने पे अगर वो रिजल्ट ग्रेटर देन 10 है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज इसमें, सॉरी इसमें ऊपर वाले में, इसमें +1 +1 करो। और जब नीचे ड्रैग करेंगे तो ओ को फ्रीज करना पड़ेगा, तो हमने F4 लगा के ओ को डॉलर साइन लगा दिया ताकि फ्रीज हो जाए, और हम यहाँ पे इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब नीचे ब्लैंक एरर आ रहा है, तो एरर से निपटने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इफ एरर का, इफ एरर, और हम बोलते हैं इसमें ब्लैंक लगा देते हैं और नीचे तक इसको ड्रैग कर, ठीक है? तो यहां पे जो भी हम फिगर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने मान लीजिए ईस्ट किया, तो ईस्ट जितना बार है, ईस्ट भी 10 बार है, बेस्ट वो भी 10 बार है, हाँ, नॉर्थ 9 बार है। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं ना, इसको साउथ को कई जगहों पे रिपीट कर देता हूं, ठीक है?
साउथ बढ़ गया हमारा, साउथ 15 हो गया, नॉर्थ 9 हो गया, ईस्ट भी हमारा 9 होगा। तो इस तरीके से हम रिपीट हो गया, सीक्वेंस बन गया। अब मैं यहां पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहा हूं, जैसे यहां पे देखिए 1-south है, उसी तरीके से मैं इसको फिर एट सेलेक्ट किया एंड कॉमा 2.0। और एरर आ गया कहां पे, एरर क्यों आया, ओ सॉरी इस पे हमें इसको हमें गलत कर दिया, दो ऐसा लगा दीजिए, हमें लगा वी लुकअप, इसको सेलेक्ट किया एन परसेंट और यहाँ सॉरी सर बस शोर हो रहा था। और यहाँ पे हम एन परसेंट पे जाते हैं और हम इस नॉर्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम यहाँ टेबल एरिया में हम पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड कॉमा। अब डेट जो है आप मैन्युअली भी लिख सकते हो कि मुझे 3 चाहिए 4 चाहिए, या फिर आप इसमें मैच का फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि मैच और हमने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया एंड कॉमा 0 एंड कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। अब इसमें एरर आने के चांसेस हो सकते हैं, तो मैं यहां पे इसको इफ एरर का भी डाल देता हूं ताकि एरर अगर आएगा तो एरर को छुपा दिया जाए, ये ब्लैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज करना होगा, M5 का मुझे M को फ्रीज करना होगा, M2 पूरा फ्रीज करना पड़ेगा, AJ को भी फ्रीज करना पड़ेगा, मैच में हमें 4 को फ्रीज करना पड़ेगा, 1x1 को फ्रीज करना पड़ेगा रो नंबर को और फिर हम एंटर मारते हैं और उसके बाद हम आगे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं और फिर इसको नीचे की तरफ और इसको डेट बना देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहां पे अगर साउथ लिखूं तो साउथ का पूरा रिकॉर्ड आ रहा है सर, अगर मैंने वेस्ट कर दिया तो वेस्ट का, नॉर्थ कर दिया तो नॉर्थ का। ठीक है, समझ में आया जी सर? मैंने ये वीडियो में तो देखा है मगर मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसको ई फाइल मेरा पुनः भेज देगा सर। हाँ भेज देंगे, तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें एक चीज और करना है कि मैं यहाँ पे टोटल ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ पे लिखूं मैं टोटल और फिर यहाँ पे मेरी क्वांटिटी का सम होना चाहिए, राइट तो अभी जैसे हुआ, अब जैसे मान लीजिए कि मैं बढ़ूंगा तो कमेगा बढ़ेगा क्या, ये तो मैंने मैनुअल लिख दिया ना, लेकिन मैं ना फॉर्मूले का पार्ट हो, जैसे जैसे फॉर्मूला बढ़े से जैसे साउथ 15 है तो नीचे तक आ गया तो टोटल उसके बाद आना चाहिए, इस तरह से ऊपर घटता बढ़ता रहे। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहां लगाएंगे कि पहला दूसरा तीसरा यहां पे लगाएंगे, यहां कंडीशन देंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू है हमारा मैक्सिमम वैल्यू तो यहां पे टोटल लिखा हुआ आ जाए। हमने सिंपल दे दिया, हमने क्या बोला कि ऊपर वाली वैल्यू इसकी मैक्सिमम काउंट के बराबर है तो आपको इफ एरर का फॉर्मूला ना लगाए, इस पे टोटल का लिखा हुआ आ जाए। अब नीचे ड्रैग करने से पहले O2 को फ्रीज कर देता हूं मैं F4 से और
इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, यहाँ टोटल आ गया। उसके बाद सेम जहां हमने फॉर्मूला लगाया है इसी के आगे हमारे पास यहाँ टोटल है, तो इसमें भी कंडीशन देता हूं कि इफ अगर यहां पे इक्वल टोटल लिखा हुआ होगा तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करें, वी लुकअप ना लगाए, सम का फॉर्मूला अप्लाई करें। और सम के फॉर्मूले में मैंने यू फाइव पहले को फ्रीज कर देता, दूसरा फ्रीज नहीं करता, और फिर इसको नीचे की तरफ, इसको माफ कीजिएगा, इसको फ्रीज करना पड़ेगा फोर से, हाँ नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देता, यहां पे टोटल आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मैं इसको मान लीजिए साउथ करता हूं तो टोटल नीचे चला गया, वेस्ट करता हूं ऊपर आ गया, नॉर्थ करता हूं तो टोटल इसके इसके जैसा ही मूव हो रहा है। अब एक चीज और करना है मुझे कि जितना एरिया में डेटा है उतना ही एरिया मेरा फॉर्मेटेड होना चाहिए, जैसे कि मैं इस पे ऐसा अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैंने इक्वल कंडीशन फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में गया और इसको सिलेक्ट करके लिखा कि नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक के बराबर नहीं है तो फॉर्मेट में जाए और मुझे सिर्फ बॉर्डर अप्लाई करना है, और मैंने इसको बॉर्डर को ले लिया यहां से, एंड ओके एंड ओके। और फिर फॉर्मेट पेंटर से हम इसको पेंट कर देते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो कल के डेट में अगर मेरा डेटा बढ़ता है तो हमारी फॉर्मेटिंग भी इंक्रीज हो जाएगी, हो गया इंक्रीज। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज होते जाएगा, क्लियर है? ठीक है सर, कोई डाउट इसमें? सर एक बात पूछूं मैं, जैसे हमारा क्वांटिटी है ना सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नाइन रो है ना हमारा, नाइन रो के इसका काउंट में नाइन आना जरूरी है, मगर मैंने बीच में जीरो है तो जीरो भी काउंट करके वो नाइन देता है, जीरो काउंट इफ्स लगा लीजिए, ग्रेटर देन जीरो, ओ ग्रेटर देन जीरो। आप यहाँ पे जैसे कि आप चाहते हो कि ना है तो आप यहाँ पे काउंट इफ लगा ले, एरिया को सिलेक्ट कर ले और आप यहाँ पे लिख दे ग्रेटर देन जीरो, जीरो को काउंट नहीं करेगा वो, तो ब्लैंक को काउंट नहीं किया और जीरो को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक, क्लियर सर, क्लियर। और कोई डाउट है? हेलो जी सर, क्लियर बोला, और कोई डाउट है आपको? अनिल जी कोई डाउट? तो ये मैं आपको जो है इसका फाइल मेल कर देता हूं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है,